छोटे बच्चों को अक्सर निमोनिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको फिर बुखार बहुत तेज़ होने लगता है, फिर पसली भी चलने लगती हैं और बच्चों को कई बार तो सांस भी रुकने लगता है, बहुत दिक्कत आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में पहले हमारी माताएं बहनें अदरक का रस, फिर तुलसी के पत्तों का रस और शहद मिलाकर के बच्चों को चटा दिया करती थी। ये तो लाभ उसमें करता ही करता है, इसमें थोड़ा और जो है आयुर्वेद की औषधियाँ प्रयोग करें तो जल्दी लाभ हो जाएगा। शीतोपलादी चूर्ण तो हर घर में रखा करें, ऐसी सर्दी जुकाम निमोनिया खांसी बच्चों को हो जाए तो शीतोपलादी चूर्ण आधा आधा ग्राम ऐसे लेकर के और शहद से चटा देते हैं, उससे लाभ हो जाता है। लेकिन जब निमोनिया हो जाता है, पसली चलने लगती है, कब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में अकेले शीतोपलादी से काम नहीं चलेगा। शीतोपलादी चूर्ण 25 ग्राम तो उसमें 20 ग्राम स्वासारी मिला दें और 20 ग्राम त्रिकुटा मिला दें, उसमें 5 ग्राम अभ्रक भस्म, 5 ग्राम प्रवाल पृष्टि, 10 ग्राम अमृतासत और 1-2 ग्राम उसमें स्वर्ण वसंत मालती रस भी मिला सकते हैं, तो ये शहद में मिला करके चटाते हैं, इसका ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। और जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है उनको दिव्य धारा, आप घर में भी बना सकते हैं इसको, और आश्रम की भी बनी हुई दिव्य धारा अथवा पतंजलि बाम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। घर में आप 10 ग्राम कपूर, 10 ग्राम अजवाइन सत और 10 ग्राम पीपरमेंट, इनको मिला करके इसमें 10 ग्राम आप ये यूकेलिप्टिस का ऑयल और 1-2 ग्राम लौंग तेल भी मिला दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये जहाँ पर भी छाती में बलगम कफ होता है वहाँ पर इसको लगा लीजिए, इसी सिर में दर्द होता है तो उसमें भी लाभ करता है। पुराना गाय का घी रखा हो तो उसको भी छाती पर ऐसे मसाज करने से, गर्म तेल की मसाज, सरसों का तेल हो तो उसकी भी मसाज करने से, नहीं तो पुराना गाय का घी रखा है तो उसकी मसाज करने से भी ये पसली चलने में लाभ होता है। जिन बच्चों को निमोनिया की प्रॉब्लम है उनको भी, और ऐसे बच्चों को किसी को भी बुखार आता है तो उसके लिए गिलोय घनवटी, ये छोटे बच्चों को आधी गोली और बड़े बच्चों को एक एक गोली दे सकते हैं, इससे तुरंत बुखार और किसी भी तरह का निमोनिया हो, किसी भी तरह का बुखार हो, वो उससे तुरंत अच्छा हो जाता है। तो यह भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, किसी भी तरह का उनको बुखार हो, गिलोय घनवटी का प्रयोग।